नमस्कार मित्रों, आज हम छोटे छोटे वीडियो की श्रृंखला में एक बहुत अच्छा विषय ले रहे हैं, सास बहू के झगड़े। जिस घर में सास बहू के बीच झगड़ा है उस घर का आदमी बहुत परेशान होगा। बीबी को संभाले, माँ को संभाले, तो इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? इसके लिए मैं आपको बहुत छोटे छोटे दो तीन उपाय बताता हूँ, उस पर आप ध्यान दें और ये करें, इसे बहुत फायदा होगा। सास हो गई माँ, चंद्र, पत्नी हो गई शुक्र, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय लाल किताब में बताया हुआ है। शुक्रवार के दिन थोड़ी सी खीर बनवाओ, चावल, दूध और मिश्री, चीनी मत डालो, मिश्री, ये तीन चीज़ मिला के एक कटोरा भर के थोड़ी सी खीर बनवाओ। उसको अपने घर के मंदिर में भगवान को भोग लगा के वही खीर सास बहू में बांटो। अड़ोस पड़ोस में सास की उम्र की, बहू के उम्र की जो लड़कियां हैं, बड़ी उम्र की स्त्री है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनमें बांटिए। इससे काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। हमने जो खीर बनाई उसमें दूध हो गई चंद्र की चीज़, मतलब माँ, चावल चंद्र, और जो मिश्री मिलाई वो है शुक्र। तो तीनों मिला के जो एक मीठी चीज़ बनी, खीर बनी, उसके खाने के बाद इसको भगवान को भोग लगा के हमने बांटा। सास बहू दोनों खाए, अड़ोस पड़ोस की स्त्रियों ने खाई, तो इसे एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और दोनों में बनने लगेगी। इस आदमी को चंद्र की पूजा करनी चाहिए। हर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को रात को 10:30 बजे दूध का अर्घ्य दो, और जिसके गांव में शहर में पानी है तो 10:30 बजे चंद्रमा जनरली मध्याह्न पर होते हैं, तो इनका जो प्रतिबिंब दिखता है पानी में वो अपने को प्रतिबिंब और चंद्र की दोनों की 1 डिग्री जैसे लगभग लगभग एक जैसे होगी। तो जब आप अर्घ्य दोगे तो आप पानी में जो अर्घ्य दोगे तो वो सीधे चंद्र को लगेगा। पानी चंद्र है, चंद्रमा आकाश में है, और जो नीचे प्रतिबिंब दिख रहा है उसको आपने दूध दूध चंद्र है, तो इससे माँ को बहुत फायदा होगा। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर इनको एक सफ़ेद मिठाई का भोग लगाओ, या घर से खीर बना के ले जाओ, ये माँ को भोग में डालाओ। इससे आपकी पत्नी पे बहुत सारा अच्छा असर आएगा और पत्नी में समझ आएगी, माँ से इसका जुड़ाव बढ़ेगा, और एक दोनों के बीच का जो मन मोटाव है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा, आप फ्री हो जाओगे। बहुत अच्छा उपाय है ना, तो इसे करिए। अगर आपके घर में सास बहू के बीच में झगड़ा है, आप परेशान हो माँ और पत्नी के बीच, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। एक छोटे से उपाय से भी आप अपने घर की पूरी पोजीशन बदल सकते हो, माँ और पत्नी के बीच का जो मन मोटाव आप दूर कर सकते हो, और घर का वातावरण बहुत अच्छा आपका बनता जाएगा। तो ये 3 स्टेप के उपाय आपको अगर करने हैं तो आप बहुत समझदारी से, मैंने जो बताया उस हिसाब से करिए, और घर का पूरा जो वातावरण है, जो एटमोसफियर है, उसको बहुत शांत करिए, और आप अपनी जीवन की जो खुशी पाना चाहते हो उसे पा लीजिए। नमस्कार मित्र।